भक्ति एक कुदरती जज्बा, परमात्मा प्रेम है, भक्ति मुझे सम आत्मा उसकी आंखें, ये भी प्रेम का स्वरूप है और प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम ही है। सब महापुरुषों ने कहा उस महान सूत्र के एक बार कहने से सारी कायनात हस्ती में आ गई, वही सबकी कंट्रोलिंग पावर है, उसी की अंश हमारी आत्मा है, कौ को भी निराम की अंश। इसमें भी बड़ी भारी ताकत है, अगर महासूर्त एक बार कहने से को कवाओ तिस्ते हो लख दरिया हो करोड़ों ब्रह्मांड बन सकते हैं, तो हमारी आत्मा उसी की अंश है। ड्रॉ को ज्यूशन फॉल कॉन्शियसनेस, इसमें भी बड़ी भारी ताकत है, मगर फैलाव के कारण मन इंद्रियों के घाट पर ये जिस्म और जगत का रूप बन रही है। अगर ये यक्षु हो जाए इसमें बड़ी भारी ताकत। हमारे दूर एक मिसाल प्रवाह करते थे, एक नाली है उसमें 9 सुराख है, अगर पानी जाते हुए एक एक कतरा उससे बाहर गिरेगा, अगर सारे सुराख बंद कर दो एक सुराख खुला रहे तो उससे धार मारकर पानी निकलेगा। तो हमारी सोच फैलाव में होने के कारण ये बड़ी निर्बल और कमजोर हो रही है। अगर ये शुद्धवंत हो जाए, हम शुद्ध हैं, वो महान शुद्ध है। शुद्ध कहते हैं अटेंशन को, ध्यान को। अगर ये यक्षु हो जाए तो इसमें बड़ी भारी ताकत है। सूरज की किरणें हमें जलाती नहीं, अगर कॉन्वेक्स लेंस से गुजारो वो किरणें यक्षु हो जाती है। दूसरी तरफ जो चीज रखो उसमें आग लग जाती है। तो हमारी शुद्ध फैली वृत्तियां जिसको कहते हैं योग स्थित वृत्ति निरोधाकर की वृत्तियां यक्षु हो जाए, इसमें बड़ी भारी ताकत है। अरे यार, वो महान शुद्ध अगर करोड़ों ब्रह्मांड बना सकती है तो क्या हमारी आत्मा शुद्ध यक्षु होकर एक शहर भी नहीं बना सकती? ग्रेट इज मैन, ये सारा खेल शुद्ध का है। जेई सुत त्या तिंद्रा, पहलवान लोग जब वर्जिश करते हैं तो सारी अटेंशन जिस्म में रखते हैं, ताकत बढ़ती है। इसी सुत को अगर दवागी सेंटर से जोड़ो, नई से नई जलवे, नई से नई इजादे, नई से नई इन्वेंशन, नई से नई फाइनिंग अंदर से नजर सामने आ जाती है, तो सुत का खेल है। अगर ये सोच महान सोच से लग जाए, पिता पूत सिक्के रख लेना, तो सोच का खेल है। जिसमें लगाओ तो जिसम पहलवान, दबाने सेंटर से लगाओ तो नई नई इन्वेंशन। अगर इसी सोच को हम सोचवंत हो जाए तो उस महान सोच जो कंट्रोलिंग पावर हमको जिसमें कायम रख रही है, तो ये उसका रूप बन सकता है। बहुत भी चौकाट ऐसी हस्ती को साधु संत महात्मा कहते हैं। इसकी बेसिक प्रिंसिपल समझो क्या है, सुत इसकी डायरेक्शन का सवाल रह जाएगा। जब ये सुत यक्षु हो जाए, सुतवत बन जाए, इस जिस्म की शोभा है हमसे जब तक हम इसके साथ हैं, जब हम इसे जुदा होंगे इसे कौन पूछेगा? आज घड़ी कहू ने राकत करते थे और हम इसमें आंखें खुली है, कान खुली है, नाक खुली है, कई सुराख है, भाग नहीं सकती है, कोई ताकत हमको इसमें कंट्रोल कर रही है, सांस बाहर जाता है, बाहर रह नहीं सकता, तो जो कंट्रोलिंग पावर है जब वो हटती है तो जिसे छोड़ना पड़ता, उसको कहते हैं नाम सत्य कृष्ण। नानक नामे के सब कुछ वसा पूरे भाग को पाए, वो परमात्मा नाम है जय विधार में है, उसको नाम कहते हैं। नाम के धारे खंड ब्रह्मण, नामे ही थे सब जब हुआ, तो उस कंट्रोलिंग पावर का अनुभव करना है
हमारी सोच में कब ये यक्षु हो जाए, जैसे एक मशीनरी हो पावर हाउस से कनेक्शन लेकर हर एक डिपार्टमेंट उस मशीनरी का काम करता है मिल का, जिस डिपार्टमेंट का पट्टा ऑफ कर दो वो बंद, अगर मेन पट्टा ऑफ कर दो तो सारी मशीनरी बंद। तो इस शरीर में कई डिपार्टमेंट है इंद्रियों के, कोई देखने की, कोई सुनने की, कोई चखने की, कोई छूने की, कुछ स्पर्श की। तो सोच जिसके साथ लगेगी वही काम करेगी, इंद्रिय दूसरी काम नहीं करेगी। ये तो सबको तजुर्बा बहुत लोगों को होता है, जब यक्षु होता पता नहीं कहां बैठे, कोई आवाजें नहीं सुनता नहीं। तो ये सारी मशीनरी को कंट्रोल करने वाली कौन चीज है? सोच। जो कौन करेगा, हम क्यों नहीं कर सकते कि हमारी सोच बाहर इंद्रियों के घाट का रूप बनी बैठे। साधन जिन्हें बाहर मुखी करते हैं उनका सबका तलक इंद्रियों के घाट से है। जो इंद्रियों के घाट का रूप बना हुआ इंसान है, साधन वो करता है जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है। जो इंद्रियों से अभाव, जो इसको ताकत देने वाली चीज है वो हमें उसको कैसे जान सकते। जब तक उसको न जाने हो वो सेल्फ को कैसे जान सकते जो कंट्रोलिंग पावर, जैसे सारे महापुरुषों ने कहा अपने आप को। तो ये सारा खेल सोच का है, सोचवंत। सोचवंत के बाद रिएक्शन था जो पास्ट होते हैं, कुछ बचपन ही सोच सकते हैं जैसे रखते हैं, कोई यहां पर बाई ट्रेनिंग और इसकी ट्रेनिंग उभार कहां से मिलता है, जो सोचवंत उसकी एक तवज्जो से दूसरों को उभार मिलता है। फैली सोच सकती है जो कि घाट के ऊपर आकर युक्षु होकर इनर वे आप आगे परमात्मा ज्योति स्वरूप है गॉड इज लाइट, उसका अनुभव करता नाम जो पद को शुरू गया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सोच का खेल है, सोचवंत बनना। बाहरी कामों भी सोचवंत बनकर जब ब्रेन के शरीर नई से नई ही जाने, सोचवंत के लिए पहली चीज होती जिसकी सोच महान सोच से लगी मौत भी बन गया। अब बनती है कुदरती बात, कुदरती खासा है। इस वक्त बनती किसको कहते हैं? आज की चीज भगो बंदा ये जाना बूदन दिन बदस्ते दिगरे दानो है दाना और हैरा बूद। बंकी किसका नाम है? क्या लगे दिल किसी के हवाले होना और बेदिल होकर फिर बैरिश बैरिश हे किश किनारा नेश जो जहां विश्व पारण हे चारण है। लंबा समुद्र है जिसका कुछ सिर पैरा नहीं, यहां जान हवाले ही होकर उतना नहीं बोला। जितना हवाले सरेंडर करके जाए उतना ज्यादा कम। तो सोच का खेल है। अब हम भी सोचवंत हैं और हमारे और उस सोचवंत में फर्क क्या है? उसकी सोचवंत है वो चाहता है किसी इंद्रिय से काम ले जब चाहे ना ले। और यही बस नहीं, यहां जिस जिस डिपार्टमेंट से लगता है उसमें मैं वो वंडरफुल काम करता हूं। अगर यही सोच तो महान सोच के साथ लग जाए तो बहुत विशव गॉड बन जाए। जो सोचवंत है बत्ती किसकी करनी चाहिए सवाल ही। हम सारे बनते हैं अपने, पहले अपने आप के, फिर अपने फैमिली बच्चों के बाल बच्चों के, फिर अपनी समाज के, फिर अपने मुल्क के। तो कहते हैं कि ये सारी भक्तियां दुख से भरी पड़ी है। जो अपने आप से प्यार करता है नीरो, जैसे नीरो पिंडोल में रो मत बरने हिन्दुस्तान में मोहम्मद शाह रंगीला हुआ, वो कहते थे कि कोई मरे कोई जिए सुथरा कोल पता से पी। ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं, कुछ अपनी फैमिली के भक्त हैं, वो अपनी अपनी फैमिली के भक्ति करने से एक दूसरे से क्लैश है, झगड़ा है। जो समाजों के भक्त बन जाते हैं वो फिर पाकिस्तान बना आपके सामने, जो मुल्क के मूल वतन बनते हैं आप मुल्क, इसमें फैमिली के झगड़े में सिर फटेगा, समाजों के झगड़े में लाखों मरेंगे और मुल्कों के झगड़ों में करोड़ों मरेंगे। जब तक हमारा प्यार उस प्रभु से न हो जो सारे में परिपूर्ण है, नानक नाम चिड़ी कला मेरे बाने सरबत कमल है, तब तक सुख है। अब इस प्रेम में यक्षु हो जाती है, प्रेमी हजारों में बैठा हो एकांती सच्चा बैठे उसको कोई और नजर हो एक निशाना हो। तो अनवय को
जो छोटवंत है वो परमात्मा का माउथ पीस है, गुफ्ते हो गुफ्ते अल्लाह बन गर्ती धड़कू में अब्दुल्ला बन, उनका कहा हुआ प्रभु का कहा हुआ होता है फायदा है शक्ल में, वो इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होती, जैसे भी आवे खसूम की बाणी तैसा करी ज्ञान मिला। तो ओवर सेल्फ पहले अपने आप, जब तक अपने आप को जाने नहीं चीने नहीं, कौ नानक बिना पाचीने मिटी न ब्रह्म की काय, इसमें सुट की ये सुई की जरूरत है, ये सुट का मार्ग है संतों का, जो बच्चा बूढ़ा जवान को भी जो सुट में थोड़ा भार देती वो भी उसकी पहली सुट पैर से हटकर इंद्रियों के घाट के ऊपर आकर अंतर उसका अनुभव करती है। तो सुतवंत जब महान सुत का माउथ पीस बन जाए उसको साधु संतन महात्मा था, उसमें बड़ी भारी ताकत वो हम में भी है। एवरी सेंट हैज इट्स पास्ट एंड एवरी सेंट हैज फ्यूचर, उसमें क्या उसकी रेडिएशन, वो सुतवंत है सुतों को कंट्रोल करता, मन इंद्रिय सुत से ताकत देती, इसलिए सोत साधु संग ठहराई तो मन स्थिरता सूझ पाए, साधु की संगत में सोत थोड़ी देर खड़ी होती है, फैलाव से हटती है, जिस जिठिया मन रहती है सदगुर किसका नाम, जो सोत बनता है रेडिएशन होती है सोतों को करो, जब सोत कंट्रोल ये भूल जाता कहां बैठे उसकी सोबत का, इसलिए कहते हैं भक्ति किसकी होनी चाहिए, किसी सोतवंत, सोतवंत भी है और सोतवंत आगे मौत भी सब महान सोत का बना है, तो जिसकी सोबत करोगे वैसा रंग मिलेगा, जिसे जिस लाइन में सोत लगाकर उसमें कमाल हासिल किया उसे वो चीज टाइम में मिलती है आसानी से, और जिसकी सोत प्रभु महान सोत से लगी है मौत भी उनको आसानी से वो अनुभव होने लगते, और ये कॉम्पिटेंसी है, जब बैठे 10, 20, 50, 100 ज्यादा बैठ गए कोई भी थोड़ी तवज्जो दे, सब की सोच अपने आप बाहर चटेगी, इंद्रों के घाट के ऊपर आएगी, अंतर की आंख खुलेगी, सदगुण मिले अंधेरा जाए जहां देखो तरह समय गुरबाणी करते, जब सरसू बचे तब अंधेरा है ना आंखें वो सिर्फ प्रकाश होता, कौन देखता है सो गुरुमुख देखा जाए, जो गुरुमुख बने, गुरुमुख किसको कहते हैं, जो गुरु से सन्मुख, गुरु किसको कहते हैं, जो अंधेरे में प्रकाश करे, तो ऐसे माउथ ऑफ पीस ऑफ गॉड के साथ इसमें हमारा लाभ क्या है, सारे लाभ है, ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द लाइफ ऑफ माइंड एंड बॉडी बोथ, जिसम को खुराक दी जिसमानी पहलवान बने, ब्रेन के साथ लगकर सेंटर्स में लगकर पढ़ने लिखने विचारने के काम किए तो बुद्धि के पहलवान बन गए, अरे आत्मा की खुराक क्या है, आत्मा की खुराक ये चेतन स्वरूप आत्मा है, इसकी खुराक महाचेतन प्रभु, जब कम लगेगी जब मन फैलाव से बाहर से हटेगी, हाउ टू इन्वर्ट हाउ टू टैप इनसाइड, इसका एक्सपीरियंस थोड़ा भी जिनको जिस लाइन में लगे उधर ही कमाल कर, मन सुर का ओवर सर्स के साथ लगना ये है परमार्थ, परमार्थ तो जो बड़े बड़े फिलासफर बड़े बड़े फाइंडिंग्स लोगों ने की, नए से नहीं जाते रोज से रोज नहीं हो रही है, ये सारा सुर का कर, अगर यही सुर कुछ कंट्रोलिंग पावर एका संगत टिकट ग्रह बसते मिल बात न करते भाई, एक ही संगत ने आत्मा और परमात्मा दो भाई रह रहे हैं मगर एक दूसरे से बात नहीं करते, इंद्रों के घाट और फैलाव को बाहर जिसे वो जंग का रूप बन रहे हैं, इधर से अटना पैदा कर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का फर्दर वे अप, अब जो ऑब्लिवियन में चला जाता बस कॉन्शियस एंटिटी इज मोर कॉन्शियस, कॉन्शियस रहे जिस्म का तो अभाव हो कोई बात नहीं ठीक है, कॉन्शियसनेस हो तो कॉन्शियस होगी तो ओवर कॉन्शियस को जाने तो जैसे वर्ड ऑफ ए पेनिट्रेशन इन बियॉन्ड अंधेरे के पार जाने, पर्दे से आके रहा पार दे, तुलसी साहब ने फरमाया पुतली में तिल तिल में भरा रहा जे कुल का कुल, जिस पर्दे से आके जरा पार दे आंखें बंद के अंधेरा है, यहां युक्ति भी हो जाती है
जिसे सर्दी नई सी नहीं जाती है, तो मन जब तक पेनिट्रेशन न हो, ओवर सब जो उसकी कंट्रोलिंग पावर उसके साथ न लगे, उसका माउथ पीस न बने, तब तक कम नहीं। तो परमार्थ असल में वेन यू वर्ल्ड स्टार्ट, ये जो शुद्ध मंत्र है कोई, तो दुनिया में प्यार किसे, भक्ति तो सबकी है, तो ऐसे पूछिए प्रभु को तो देखा नहीं, हर की पूजा सर्व पूजे, जिस जो माउथ पीस बना है उसके पास बैठना, प्रभु के पास बैठना है, उसका प्यार द गॉड इन हिम से प्रभु का प्यार है। सन नोज द फादर एंड अदर सून द सन रिवील्स, बच्चा उसको जानता है। और दूसरे लोग जो जिसको उनका बच्चा रिवील करे, डालना कुछ नहीं, रेवलेशन है, बाहर फैलाव से हटकर थिजा, तो टैपिंग इन साइड कहो, इन्वर्शन कहो, दस इंद्रिय जो राखे वास ना कि आत्म हो प्रगास, इफ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट, इफ यू शट द डोर्स ऑफ द टेम्पल ऑफ द बॉडी यू विल सी द लाइट ऑफ हेवन। तो अंत में गॉड इन एक्शन में लाइट इन साउंड विच हो, दोनों का कुछ। तो साइंटिफिक वे में भी बीच में मूवमेंट बड़ी रेंज में करो, क्या वेरी मच कंट्रोल के बाद उसमें हम कुछ साउंड प्रिंसिपल को डिटेक्ट करना शुरू हुआ। तो आफ्टर आर ट्रुथ इज वन, एक तो बाहर फैलाव के ये सारा सिलसिला कि हेरिटेज डिपार्टमेंट के अनंत है, नो बडी कैन बोस्ट दैट ही नोज एवरीथिंग। न्यूटन ने कहा आई एम पिकिंग अप द पेबल फ्रॉम द सी शोर ऑफ नॉलेज, अगर सब कुछ जान भी लिए तो एक रेख एक विश एको को आउते हो दफ्तरी पे क्या जाना। तो उस महान सुख का अनुभव करना है मैन बॉडी के अंदर ही, दिस इज हाई संग क्रिएशन। हाउ टू डू इट, पहला काम छोट मत ट्रेनिंग हो जाए, छोट माने फिर जिस तरह सुख को लगाओगे, जिसे में लगाओ जिसमानी ताकत, ब्रेन के सेंटर लगाओ फिर नई से नई जाने, नई से नई फाइंडिंग, और इसी को अगर ओवर सेल्फ से जोड़ोगे तो बहुत ही सब बात बन जाओ। आई एन माई फादर वन। तो अब सवाल है कि किसकी भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, और किसकी भक्ति सुखदाई है, जिसके अंदर वो बेनिफिट है, जो गॉड इन हिम, उसका अनुभव वो क्या करेगा, उसे उसकी झलके मिलेगी, नेचुरली क्या होगा, वो चीज जिसका वो अनुभव कर रहा है, यू थिंक सो यू बिकम, उसकी रेडिएशन से, जैसे खुशबू बेचने वाले की दुकान पर चले जाओ, वो तुमको कुछ भी ना दे तो रेडिएशन, खुशबू तो मिलती है कि नहीं, कपड़े बदतर हो जाते, अगर वो एक शीशी भी साथ दे दे तो क्या करें। तो सोचवंत बनना पहला कदम, इसी को कहा नो नहीं चल, फिर इसके आगे जिस लाइन में आप इसको सुध कंसेंट्रेटेड को लगाओ गुजरी वर्डस वर्क करो, नई सी नई फाइटिंग नई सी बात, अगर इसी सुध को इसके आखिर कंट्रोलिंग पावर जिसमें हम कैद हैं, जब वो सत्य हटते हैं जिसमें छोड़ना पड़ता, हम भाग नहीं सकते, आंखें खुली सब कुछ है, सांस बाहर जाता है बाहर रह नहीं सकता, तो ऐसे पुष्ट की सोच में ताकत है, सोच मत है, दूसरे उसकी रेडिएशन से दूसरे जो यक्षु होकर बैठे ने उनकी सोच यक्षु हो जाए। हमारे हजू थे कई बार लोग देखते देखते रहे फिर ही भूल जाते थे, रेडिएशन टू आई होते आई जा विंडो दादी सो, जैसी आत्मा सुस्त जो आंखों की खिड़कियों से झांकती है, जैसी उसमें यक्षु ही है दूसरों को यक्षु ही मिले, जो उसमें सुख और शांति दिला रहे हैं तो दूसरों को शांति, जिस नित्या मन हो नंदा सो सदू जी। तो रेडिएशन का सवाल है, सुस्त से प्यार उसे वो कैसा है, नानक कचड़िया संग तो ढूंढ संजन संत पकिया, ये जिविंदे विछड़ी हो मैं नो, हमको फिजिकल लाइफ को पता है ना, इसमें जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पाए, ब्रह्मंड के नमूने पर हमें ये शरीर प्रभु ने दिया है, फिजिकल और फिजिकल वर्ल्ड, सूक्ष्म देह और सूक्ष्म वर्ल्ड, आगे कारण इससे और सूक्ष्म दस सूक्ष्म है, और कारण बियान तीनों से दर्शन करो तो रियल आई होल्ड या ओवर सेल में बहुत स्वीट बन सकता। तो साइंटिफिक वे में वैसे भी ये है एक प्रैक्टिकल चीज, इसके हासिल करने के लिए सहज से सहज आराज क्या है,
किसी ऐसी हस्ती की सोबत की जो छोट होता है उसके एक तवज्जो से यकन लाए जान पलाए बस वो दरकार उसके एक जान के उभारने वाली नजर हमारे लिए काफी। तो उसमें क्या होगा दो तरफ, एक तो उसकी टॉप वो वेरी क्लैरिटी बड़ी सफाई, ये सीन नहीं सही सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखे आके संतों की शहादत को सुनो वो सच्ची है, क्योंकि वो कुछ बयान करते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, सुना सुनाया पढ़ा पढ़ाया नहीं बनते। और उसमें क्या कि वो डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकते हैं जैसे पीछे कैसे सुन फैलती है बाहर से कैसे हटती है परिवार जो रोज रोज करें फिर इंटू डिविजन ट्रेवल्स करने लग जाए तो माफ का क्या होगा। तो ये है चीज जो परमात्मा तो ऐसे सिद्ध करके प्यार करो जो जीते जी करे और बिजान का आप भी एक्सपीरियंस है आप बिजान भी गाइड कर सकते सामने हो गिर है यार इधर को मुनजा बाशद बारा उसे ऐसे के दाम को पकड़ रहा है बहादुर पुरुष जो इस और अग्नि बियॉन्ड दोनों से वाकिफ और बंद कर सकते। तो ये सारी छुट मत की कहानी है। इसमें क्या है अगर हमारी छुट तो गुरु भक्ति का मतलब क्या है दिल दिल को राम बनना जैसी सोबत वैसा रंग वो कृष्ण में आना है श्रीमद भागवत में आया है न जप से न तप से न पूजा न पाठ न हवन न दान न ही तीर्थों की यात्रा न ही वेदों के पढ़ने से बल्कि न ही इंद्रियों को खाली दमन कर देने ही से इतना जल्दी जी मुझको पा सकता है जितना जल्दी के साधु संग से साधु साधु जो छोटू होता है बहुत भी तबार बने तो एक साधु की महिमा सुखनी साहब पूरी स्पंदी दी जिन 18 स्पंदी कहते हैं कि पहले उच्चारण की गई थी गुरु अर्जुन साहब ने उनमें 3 स्पंदी इसी पर डिवोट की ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण साधु के लक्षण और संत की निंदा भी लक्षण ही है ना 18 में से 3 कितनी भारी इंपॉर्टेंस है क्यों इंपॉर्टेंस है कि रेडिएशन से चीज मिलती है हम ऋषिनी साहित्य बावली हाँ बेहतर सत्सारा अगर एक घड़ी तुम किसी वली अला के पास बैठ जाओ युक्ति उसका फल 100 साल बेरिया भक्ति से जाता बर्फ के साथ बैठ के ठंडक आई छोट वंत के बाद पर थोड़ी युक्ति होगी रिसेप्टिव होना चाहिए सत्संग करो बनाकर सत्संग करना किसको कहते हैं सत्संग किसको कहते हैं पहले सत का सत आत्मा जब मन इंद्र से आजाद होकर वो सत अनचेंजेबल परमानेंस जिसको नाम कहते हैं गॉड इंटीग्रेशन पावर कहते हैं जो सारे जहान का सस्टेनर है कंट्रोलिंग पावर है जीवन आधार है सबका उसके साथ लगने का नाम ये है सत्संग। जब तक ये नसीब न हो जिनको ये सत का संग नसीब है उनकी सोबत का नाम सत्संग। इसलिए कहा सदगुरु बाजो संगत न हो सदगुरु किसी है जो सत का स्वरूप है। एक और तारीफ गुरु अर्जुन साहब ने फरमाई सतपुरुष जिन जाने आ सदगुरु तिसका नाम जिन्हें सतपुरुष सत नाम को जान लिया उसका नाम सदगुरु। फिर आगे कहते जिसके संग से खुद उसकी सोबत में सिक्का उधार हो सकता तो वो क्या करता है सदगुरु मिले ताकि वहां को जाता है जिस ज्योति का होगा गॉड इन टू एक्सप्रेशन में 2 फेज है एक लाइट एक साउंड उसका अनुभव करता जिसके संग से कुदरा नानक हर गुरु गावे जब देखा तो गावा तो गावे का फल पाओ। अब मौजूदा गाना क्या है वहां पर ना महापुरुष की वाणी हम गाते उन्होंने देख कर गाई और हम उनको पढ़कर देखा तो नहीं ना उसको थोड़ा दूध का वाल दूध भी होता है थोड़ा आनंद ले लेते हैं। हमारा गाना भाव करना है तो हंसी की बात एक बरात जा रही हो दूल्हा सवार है बाजे बज रहे हैं दूल्हा जा रहा है दुल्हन को लेने के और बच्चे आगे नाच रहे हैं वो क्यों नाच रहे हैं भाई गाय के साए जो आप न ब्याहे एक देख कर करना एक पढ़ा पढ़ाया करना
पड़ा का पाया गाना माफ करना ही राज्य के किसी का जो देख कर गाना है नशा आता देख देख कर नशा। तो जो अभी गुरु भक्ति का सवाल हो रहा था, गुरु भक्ति अनवयु पुरुष क्या भक्ति यक्षयु से दिल दिल को राह बने ये रिसेप्टिव बने तो उसकी लाइफ उस पर ट्रांसफर होती है। प्रभु को देखा नहीं, अगर प्रभु को नहीं देख सका तो जिसके अंदर वो प्रगट है माउथ पीस ऑफ गॉड को उसका देखना ही नेक्स्ट टू गॉड परमात्मा की नजदीकी है। अगर पावर से आप जुड़े नहीं, अगर कोई स्विच पावर उससे कनेक्टेड है उसके पास बैठो तो पावर उसकी नजदीकी है, उससे दूरी पावर उससे दूरी। तो गुरु भक्ति किसकी चाहिए? मन ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसमें हाईएस्ट काम हाईएस्ट आदर्श क्या है कि इंसान प्रभु को जाने और जानने से पहले अपने आप को, अपने आप को जानेगा जब शुद्ध मन बनेगा। जब शुद्ध हमारी को ब्रेड ऑफ लाइफ मिलेगी, सो जीविया जिस मन में से आ सोए नानक और न जीवेगा, जिसकी शुद्ध वंत होकर उस अवसर से लग गई उसकी जिंदगी की रोटी ब्रेड ऑफ लाइफ वाटर ऑफ लाइफ। तो रिसेप्टिव होना कहो दिल दिल को राह बनना कहो ये कब होगा? जब प्यार हो। तो प्यार से युक्त हुई एकांत डायरेक्शन उसका साथ जब अगर कांटेक्ट मिल जाए तो फिर क्या कहते हैं? तो स्वस्थ मन पर दोनों चीजें, एक तो रेडिएशन से सदगुरु बाजो संगत न हुई बिन शब्दे पार न पावे कोई, फिर के पूरे गुरते सत्संगत उनके सत्संगत में हर जू बसा। हम क्या समझते हैं किसी आलो फादर का लेक्चर कथा ज्ञान हो ये सत्य ना भाई, संतों की सलाह में इसका नाम सत्संग है। किसी सोचवंत जो माउथ पीस ऑफ गॉड है सत का स्वरूप है उसकी शोभा खाया हर आदमी बैठे उसका नाम सत्संग। एक जागता पुरुष हो सौ सो रहे हो, हम सब मंदिरों के घाट पर बाहर अंदर से सो रहे हैं बाहर से जाग रहे हैं, जो अंदर से जाग पड़ा है उसकी शोभा सबको जगा दी। तो ऐसे पुरुषों की के नाम सत्संग है। कहते मना कर करो क्या है, घर से आए छुट्टी कर दो, बैठे हो ये भी भूल जाओ कहां बैठे हो, ये भी भूल जाओ जिस्म का ख्याल भी छोड़ दो, आए जाते विंडो ना कि सो जिस आत्म रंग में जो आंख रंगी भरी है ना उसे यक्षी रिसेप्टिव होने से वो रंग आएगा। बेगुस्तुम दाद अनुभवी पुरुष आंखों के रस्ते तालीम देता, ये लाइफ इम्पल्स जिसको कहते हैं जिया दांत कहते हैं, जीवे से जीवा जगता। इसके बगैर बेशक सारे ग्रंथ पोथे पढ़े बड़े आलू भर सब कुछ बन जाओ, जब तक ये चीज नहीं मिलती तब तक जीवन आदर्श जो है ना सबसे बड़ा अनुभव जो सिर्फ मैन बॉडी में हम पा सकते उससे पूरा फायदा नहीं उठा सकते। तो ऐसी चीज को पाने के लिए जो उन्होंने फाइंड किया सुन संतन की साची साक्षी सो बोले जो पेखे आके, संतों की शहादत को सुनो वो सच्ची, क्योंकि वो देखकर बयान करते हैं। देखे के बयान ठीक तरीके से इंटरप्रेट कौन कर सकेगा? जिसने देखा है, जो बुद्धि के लेवल पर करेगा अपने अपने आप को अपनी बुद्धि देती वर्णन पिन पिन तो देती। देखे का मत एक, तो देखने वाले की शोभत का नाम देखने के काबिल कर लेंगे। सन दो फादर नी सन वीर रेवलेशन है, कोई नवी चीज नहीं डालनी, ऑलरेडी एग्जिस्ट देयर मौजूद है, सिर्फ इज अ मैटर ऑफ इन्वर्शन या शोट। तो इसलिए गुरु अर्जुन साहब ने एक जगह फरमाया गुरु ग्रह वश की ना हाउ घर की नार, गुरु ने मेरे घर मेरे बस में कर दिया, मैं अब घर की नानी हूं। क्या हमारा घर ये बस में है? इसमें इंद्रियां लगी है आउटलेट्स जो बाहर खुलती है बाहर के संस्कार देती है, हमारी सोच सारी फैलाव में जा रही है और इंद्रियां प्रबल हो रही है, कभी एक इंद्री खींच कर लेती है अच्छा रूप अच्छा नजारा देखो, कभी कान की इंद्री खींच कर ले जाती अच्छी सुरीली आवाज सुनकर, हर एक इंद्री में बाहर के अट्रैक्शन है। कहते हैं 80% के करीब सिर्फ आंखों के रस्ते बाहर के संस्कार, काम फैलाव में जाते हैं बाहर के संस्कार, कानों से 14%। कहते हैं गुरु मेरे मिल गया ऐसे घर मेरे बस में कर दिया, अब हम इंद्रिय खेचे फिरती हैं उन्हें घर में बस कर, कहते मैं आप घर की नानी मैं सोच कर जिस इंद्री से काम लेना चाहूं
ध्यान देना चाहता हूँ। मन मौजूद है हमारी क्या, कभी कान की इंद्री खींची, कभी आंख की, कभी कोई कभी कोई सीधे कर रहे, हम घर के मालिक नहीं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं। कहते गुरु मुझे मिला जैसे मेरे घर को कंट्रोल में, गुरु ग्रह वश की ना हाउ घर की ना कहा कितनी नौकरी मिली, कहते दस दासी करती नहीं, बना दस दासी मुझे नहीं, पांच कर मुझे पांच किया ना, मेरे हुक्म पर चलती जिसका घर नौकर आज्ञातार हो घर आबाद होगा कि नहीं। जब सब तरह से अट्रैक्शन हटेगी अपने आप के हो जाए, हर एक चीज अपने असल की तरफ जाना चाहती है। लाइट कैंडल जलाओ ना उसकी ज्योति ऊपर जाती है, सूर्य बम्बा उसके ऊपर उल्टा करो तो भी ऊपर जाती है। तो अगर ये बंदों से आधार हो अपने आप में शौक पैदा हो जो आगे मौजूद है, हर एक चीज असल की तरफ जाना चाहिए। फिर आकर क्या बहुत सारा महापुरुषों ने बड़ा खोल खोल के मजबूतों को बताया। तो पहली बात यही है मनुआ गै निष्ठान दाओ कैसे हम उनका वर इंद्री व्याप रही अधिकारी काम क्रोध निश्चिता। अरे अंतर्मुख होना कहो, राइज अब बॉडी कॉन्शियसनेस करना कहो, छोटवंत कहना कहो, छोटवंत होकर जो फिर में बड़ी बड़ी इजाजत करते हैं बीजान से थोड़ी थोड़ी बात झलक आती है, देर सम पावर बियॉन्ड मन उसका डायरेक्ट अनुभव का जागना, ये है परमार्थ। गुरु ग्रंथ साहब की आखिर भी तुक जो है हर दर्श तो हर हे प्रभु तेरे दर्शन, अरे कोई चीज है ना दर्शन करने सदगुण मेरे ताकी वे कहो आंख बनाता जैसे मेरा डिप्टी शू कहो थर्ड आई कहो सिंगल आई कहो, ये आगे के इंसान के अंतर है। कब खुलती है जब कोई उभार नहीं है, इंद्रियों के घाट का गुलाम इंसान वो साधन करे जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है। अरे नए कर्म जरूर है इंद्रियों के घाट से राय जब नहीं कर बाद में बात मैन इन जी मेक है, कुछ बना हुआ है कुछ ज्यादा बना हुआ कुछ कम बना हुआ कहीं यहां स्टार्ट होता है, मेरा आखिर छोटवंत बनता छोटवंत बने। अब वो छोट को जिस तरफ लगाए वंडर वर्क करो, छोट को ओवर सेंस से लगाए तो प्रभु की गोद में जा मिले, वी आर ऑल माइक्रोवॉर्ड्स समझे बिना पूछे के निकले, ये अल्टीमेट गोल किसको होता है आत्मा को। न वो मन इंद्री या बुद्धि से नहीं जाना जाता न प्राणों से, बल्कि उसका अनुभव करना केवल आत्मा ने। कब जब सब तरफ से आजाद हो तब ये सच्ची है कौन रस आता है, अपने आप में बड़ा आनंद है परमात्मा सत्य है चित्त है आनंदमय है हमारी आत्मा भी। बच्चा छोटा हो ना कोई हम रोज देखते हैं कभी हमें यकीन आता है अपने पर ना, इसके अंदर झलक है ना रिफ्लेक्शन उसकी वो शत्रु आत्मा। बच्चे छोटे बेवकूफ से बेवकूफ से पूछो कहते मेरे जैसा कल मत को नहीं, उसमें रिफ्लेक्शन है ऑल विजडम का और वो आनंद मैं हर एक आदमी आनंद को चाहते। तो ये झलक है इसके अंदर जो छोट मत बन जाए, जब वो बाहर किसी चीज के साथ छोट लगती है वहां आनंद आने लगता, हालांकि वहां आनंद नहीं है रिफ्लेक्शन है हमारा। जब वो चीज हटती है या इसको हटा दिया जाता है वहां दुख प्रतीत होता। तो वहां पुरुष क्या कहते हैं गुरु साहब फरमाते हैं नदरी आवे तासो मोह इव क्यों मिली है प्रभु लक्षित हो, हे प्रभु जो कुछ हमें नजर आ रहा है इसके साथ हमारी अटैचमेंट है प्रेम का खासा लगता रहेगा कहीं ना कहीं। आत्मा चेतन स्वरूप है इसका प्रेम लगना था परमात्मा से महाचेतन प्रभु से लग गया बारी सामानों से, ये अपना युक्षु से आनंद लेता है अपने चीजों में नहीं। तो कहते हैं कि हे प्रभु नदरी आवे तांसो मो इव क्यों मिलिए प्रभ अवनाशी तो, हे प्रभु जो कुछ हमें नजर आ रहा है उसका हमारा मोह बन गया, ये नाशवान चीजें हैं तू अवनाशी है, जो सुत नाश उन चीजों में लग रही है वो अवनाशी को कैसे पा सकते। तो इट्स अ मैटर ऑफ इन्वर्शन अंतर्मुख होना कहो राइज अब बॉडी कॉन्शियसनेस करना कहो जीते जी मरना कहो लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव, सुत मर का लास्ट इज अ ड्रॉप इन कहा होता है जब बाहर देखना बंद हो जाता अनुभव निकलता बाहर पहचानता नहीं नीचे ऐसा बेहस होता है क्योंकि सारी मशीन को हम ही ताकत दे रहे हैं। मर का चक्कर टूट गया कंठ कठ वही टाग के फिर जाते ये सीट अभी सो जहां से डाप सीट होता यहां जीते नहीं आना
Saint Plutarch कहता है, those who are initiated into the mystery of the beyond, their soul has the same experience of leaving the body as it has at the time of death. इसलिए कहा learn to die so that you may be free. तूने माने वहीं सोचवत बनता, मरकर तो जाते ही, जीते जी यहां आते जीते जी मरना, नानक जीवियां मर रही है, ऐसा ही होगा. अरे महापुरुष लर्न टू डाई सो दैट, तो ये है छोट मंत्र. मने आगे इसका किधर लगाए, जिधर लगाए वो तो मंत्र स्वस्थ कर, नेचर हेल्प करती. आज आप जिक्र कर रहे थे ना, वही नजर पड़ी जहां से वो पावर गाइड करती है. मैं जब ऑफिस में था, बड़े बड़े फाइल कंट्रोल बेचे जस गो के मोटा फाइल खोल लो, वही जहां करती है वो सेल्फ अंदर डायरेक्ट करती है. मगर हमें उसका पता ही नहीं, हम बाहर खेल कूद में लग रहे हैं, वो बच्चे जैसा नाच रहे हैं ना बाहर. यहां तो भक्ति किसकी चाहिए, अनबड़ी कुछ की छोट, वो तो मैं प्रभु से जोड़ेगा, बाकी सारे सामान अवर काज तेरे किसी. कोई काम उस प्रभु प्राप्ति के लिए है, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलती है तेरी प्रिय, इट इज दाई टर्न टू मीट गॉड. अगर कोई काम इधर काम आने हैं, मेरे साथ साधु की संगत है, केवल नाम वो गॉड इन टू एक्सप्रेशन पावर से लगता है, रीडी माउथ सब गॉड. तो गुरुभक्ति के लिए दिल दिल को राह बनना है, जितना जुड़ा रहे उतना. क्राइस्ट ने एक मिसाल दी है, एक अंगूर के पेड़ का जिक्र करते हुए, अंगूर का पेड़ है, जब तक शाखें उसमें जुड़ी रहती हैं फल लाती हैं, जब कट जाए तो फल नहीं जाते. इसलिए कहते हैं आई एम दी वाइंस दाउ आर दी ब्रांचेस, सो लॉन्ग एज यू आर एम्बेडेड इन मी यू बेयर टू एम्पल फ्रूट. तो किसी अनबही पुष्ट से सुर सुर का मिलना, रिसेप्टिव होना, उसमें किससे जिस्म तो नहीं, वो भी जिस्म नहीं, वो भी नहीं, जिस्म जिस्मानी तो पहले खत्म हो जाती है सोतवंत बनने से. उसमें जो रंग उसको आने लगे, सो लॉन्ग यू आर एम्बेडेड इन मी यू विल हैव एम्पल फ्रूट. जो प्रभु में एम्बेडेड है, उधर तुम्हारी सोतों से एम्बेडेड हो, उससे एम्बेडेड हो जाए. इसलिए कहते गुर गोर अंदर समाए, फिनाफी शेख हो जाओ, फिनाफी अल्लाह हो जाओ. ये है गुरुभक्ति. और पहला काम क्या है, जो वो कहे इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स, वो क्या कहता है, डेवलप करो और रहो, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, पूरा सदगुरु बैठिए पूरी हो गई युग था संध्या खन्या खबन्या पैनन्या भी क्यों, हर एक चीज से जो थ्राइस ब्लेसेड इज मैन, जिस्मानी तौर से भी, बुद्धि के लिहाज से भी, अरे वे कुछ अपने लिहाज से. दो पहलुओं से हमने तरक्की की, बड़ी वंडरफुल तरक्की की, विदाउट दैट वी आर इन फियर. हमारी बुद्धि ने तरक्की का कि एटम बम हाइड्रोजन न्यूट्रॉन बम बना दिए, दुनिया में अभी तक किस उम्र खत्म हो जाए अगर ये सिलसिला शुरू हुआ. तो मैं जब वेस्ट में गया, उन्हें सवाल किया, व्हाट इज द रेमेडी फॉर ऑल दीज एटमिक वॉर्स, मैं लुक टू योर स्क्रिप्चर्स, वो क्या कहती है, प्रभु से प्यार करो, प्रभु सब में सबसे प्यार, दैट्स द ओनली रेमेडी. अगर प्रभु का प्यार होगा उसे किस कौन चलाएगा और किस में चलाएगा, मगर उसका प्यार बने कैसे जब से देखा ना हो, समझे. हाँ, दुनिया को तो हम देखते हैं, उसका सुख लेते हैं, हटते हैं, जिसको देखा नहीं उसका प्यार कैसे. तो इसको देखने के लिए क्या करना होगा, कहते हैं अब हूं चेत, कभी साहब की बात है, हेत कर्पियों से प्रभु से प्यार बनो. लोग कहते महाराज देखा नहीं तो क्या करें, कैसे प्यार हो, जिसको देखा ना हो, अंडा ना हो, तो प्यार कैसे बने. तो कहते ले सदगुरु के उपदेश, किसी सत्य उपस्थित शुद्ध वन से मिलो, जो आठ का माउथ पीस बना है, सत्य रूप मिला है, उसे मिलो. वो क्या करेगा, सदगुण मिले हकी में, वो आंख बनाए दिपचिक्षु खोलेगा, थर्ड आई सिंगल आई, एंड उसकी निशानी क्या देते हैं, सदगुण मिले अंधेरा जाओ. गुरु अमरदास जी साहब ने बड़ा इशारा है ना, ठीक है, मैं बयान किया, गुरु क्या करता, गुरु इज द गॉड इन हिम नॉट द सन ऑफ मैन माइंड दैट, वो परमात्मा ही गुरु है. आदम से के अवतारा सोई गुरु समझे हमारा. गुरु नानक साहब से पूछा गया तुम्हारा गुरु कौन है, सिद्धों ने सवाल किया शब्द गुरु छोटे
वो गॉड इन टू एक्सप्रेशन पावर को शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, वो मेरा गुरु है, मेरी छुटकेला। तो वो गुरु जिसमें मैनिफेस्ट है उसकी हम कदर करते हैं। ऐसा नाम सबो कट मेरे साइया सुनी से नको बलिहारी तिस घट के जान पट प्रगट हो। मैनिफेस्ट गॉड इन मैन ही हमें उसके साथ जोड़ सकता। वो कहें तुम्हारी सुध फैलाओ में है, मेरी इच्छा है सोचवंत बनो। सोचवंत के लिए जो हमारी सुध को सोचवंत करने के लिए कोई सोचवंत की थोड़ी दृष्टि ख्याल चाहिए गौड़े से। तो इसलिए महापुरुष ने यह कहा कि मानुष ने भागों से मिली है, इसे उसको वो आगे हमारा जीवन आधार है। मछली पानी में पूछती है कि पानी कहां, पहले उसके लिए पहला कदम नो नहीं सब। सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज, सेल्फ नॉलेज राइजेज टू गॉड गॉड कॉन्शियस। तो गॉड कॉन्शियसनेस ही असल चीज है। जब उसकी वो तालीम महापुरुष आते हैं उसकी देते हैं, उसको बाकायदा स्कूल की फॉर्म में पेश करते हैं, लोग ज्यादा फायदा उठा जाए। जब तक ऐसे गॉड कॉन्शियस पीपल उसमें होते हैं काम बनता रहता है। जब उनकी कमी हो जाती है लकीर गिफ्ट की, फिर वो क्या करते हैं, जो फॉर्मेशन बनाई है उनके लिए तो जाने दे देंगे, प्रभु को भूल जाएंगे। तो इसलिए फॉर्मेशन रिजल्ट इन स्टेग्नेशन, स्टेग्नेशन रिजल्ट इन डिट्यूरेशन। फिर को माता रहे भाई तो भूल में जा रहे हैं, फेल को नई चीज नहीं। तो इस बात जिन जिन महापुरुषों ने अनुभव किया वो पेश करते रहे, डिमॉन्स्ट्रेट करते रहे। डिमॉन्स्ट्रेशन की फर्स्ट थिंग, अगर देखा जाए यकीन होगा नहीं होगा क्या पता, करे जाओ ये करे जाओ, प्रेपरेशन द ग्राउंड के लिए ठीक है, नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा। अगर थोड़ी पूंजी मिल जाए ना संतन मुझको, वो को पूंजी सौंपे किस बात की, थोड़ा अनुभव की, हाउ टू राइज अब बॉडी कॉन्शियस है, ये उसमें काम भी नहीं तवज्जो में, उसका कोई खर्च नहीं। तो मुझसे लाखों जीव पानी पी जाते जो पहले इन सोर्स से मिला है, उसका एक तवज्जो जी बस तवज्जो का। तो पूंजी मिल जाए तो उसको दिन दिन बढ़ा दें। तो किसी समाज में बेसिक चीज यही है। जब पहले तो चर्च का डर रहता, परमात्मा भूलता तो चर्च चोट में आ जाए, उसका नतीजा देखो जो हुआ पाकिस्तान, लकीर की फकीरी के साथ जकड़ों में रहकर। किसी समाज में रहना एक बरकत है, मगर समाज में रहकर उसकी जकड़ों में रह जाना जिस पर्पज के लिए शामिल ही है उसका ना अनुभव करना, ये क्या है, फायदा उठाना नहीं। इट इज बेटर टू बी बॉर्न इन ए टेम्पल बट टू राइज अबव इट्स सिन, ये है असल चीज। जब फॉर्मेशन की जबड़ों में रह जाता है खुदा परमात्मा भूल जाता, और जब बिल्कुल सेल्फिश मोटिव में आ जाता है इंसान तो चर्च भी भूल जाता है और परमात्मा भी भूल जाता। तो इसलिए किसी चर्च में रहना अच्छा है। गाइडेंस ऑफ सम पीपल विद गॉड कॉन्शियस, वो तुम्हें गॉड कॉन्शियस हुए डिमॉन्स्ट्रेशन देगा, मे बी वाइज मे बी लिटो according to each man's background, then that has to be learned. जैसे और चीजें डेवलप हो, जितना बाहर से हो जितने सोचवंत बनोगे उतनी ज्यादा काम। सोचवंत होकर भी अगर वे अप नहीं होता बाहर, उसको डायरेक्ट ध्यान लेता वंडर्स काम करता जाता। आगे वे अप क्या है, नाम जपत गोड सूर्य लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल। तो लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल इज वे बैक टू एब्सोल्यूट गॉड। किसी महापुरुष की बात लो, पहले स्टडी ऑफ रिलीजन से पता होगा आपको। सॉक्रेटिस ने इसका रेफरेंस दिया तो मुझे एक आवाज सुनाई थी, मुझे एक नई दुनिया में ले गई। प्लेटो ने इसका जिक्र किया म्यूजिक ऑफ स्फीयर्स। पिथागोरस में गया जब ग्रीस में, वहां टॉक्स दी तो वहां के प्रोफेसर था कहने को, मैं पिथागोरस यू टू से दैट, उसे आता है ट्रूथ क्लोज इन लाइट एंड म्यूजिक ऑफ ऑल हार्मोनीज। रोलास्टर ने अनस्ट्रक फायर करके कहा, सुरक्षा करके कहा, वेदों के आसों में तो है ही, गुरु साहब की बानी में हर एक लाइन बही पड़ी है इसे। मुसलमान फकीरों में कलाम करीम नूर करके कहा, महात्मा बुद्ध के लोग कहते हो नास्तिक चाहते हो, अपने शिष्य को अंत समय बुलाया
कि हाउ डिड यू गेट गोल्ड इन समाधि। हरे ने आपको अपना जिक्र किया, लाइट का भी किया, तब आखिर क्या, हेयर यू ऑल द कमिंग जनरेशन, इंक्रीजिंग हेयरिंग इज द ओनली वे बैक टू एस। वो किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, खुदा को मानने वाले आए, परमात्मा को सुटाने लगे, परमात्मा है, दिल है, प्यार है, ये है, ऐसे बनो, परमात्मा सब में सबसे प्यार करो। जो परमात्मा को नहीं मानते थे वो कहते भाई ऐसा करो, सच बोलना अच्छी बात है ना, किसी का हाथ ना मारना अच्छी बात है, तुम ये करो। तो रियली ही वॉज नॉट गॉड लेस, ही बिलीव्ड इन गॉड। तो ये है बेसिक तरफ महापुरुषों को देखिए, ये सारे समाजों की बेसिक तालीम इसी तालीम को आगे पहुंचाने के लिए बनी चीज। जब तक आमिल लोग रहे काम बनता रहा, जब आमिल लोगों की कमी हो गई, लकीर की फुकीरी, हम पुजारी बन के सिर्फ काम तो रिचुअल्स के, उसमें क्या है कि चर्च के लिए जो मर्जी करा लो, माफ करना एक मस्जिद कराओ हजारों मुसलमान मरने को तैयार है। खुदा को तो भूल जाते हैं, पहले मस्जिदों में आ गए। मैं लंदन में गया, वहां मैंने एक टॉक दी, गॉड डज नॉट रिजाइड इन टेम्पल्स मेड विद स्टोन्स। एक बिशप उठा कहने लगा, विद वन वर्ड ऑफ योर यू हैव थ्रोन एटम ऑन ऑल ओवर चर्च एंड आवर रिलीजन है क्या भाई, फिलॉसफी डील विद थ्योरीज, मिस्टिसिज्म डील विद कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी। बस ये महापुरुष हमेशा आपको लोगों को होश दिलाते रहे, समाजों को बिखेड़े तब बनते हैं जब स्कूल कॉलेज ठीक है, किसी समाज में रहना है, किसी फल को ताजर है उसकी केसिंग कवरिंग चाहिए, कुदरत ने बनाया है। मन किसी समाज में खाली केसिंग की जकड़ों में रह जाए और इतनी केसिंग स्ट्रांग हो कि मगज को भी खराब कर दे तो फिर क्या। तो महापुरुष तो असल में गॉड कॉन्शियसनेस को जाए, जागृत ज्योति जब समाज बात है, जिसके अंदर ज्योति जग गई वो खालसा, जैसे ज्योति जगी दान का हुआ वो हिंदू, वही मुसलमान जो नूर इस्लामिक लिंग को पाता है, और वही ईसाई। हाइएस्ट डिग्री तो यही है, देखो कितनी स्कूल से कितने कैसे स्टूडेंट निकलते हैं, बात तो ये। तो आज भाई पुरुष इस नजर से देखते, वो हमारे लेबलों की नजर से नहीं देखते, वो कहते हैं ये मैन है, इंसान है, ऑल मैन कहीं वन, या देखता है ये आत्मा है, चेतन स्वरूप है, देहधारी है, इसकी कंट्रोलिंग पावर सब में वही बैठा, वो इस नजर से देखता है। इसलिए उनका पहला काम क्या है, महापुरुष साक्षी बोल दे सांझी सगल ध्यान है, सबको एक सब उपदेश किसी समाज में रहो, और पहला काम उनका है टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड टूगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाएगी, सबसे ओल्डेस्ट किताब वेदा मानी गई है, उसमें बड़े बड़े ऋषियों की मानी है, एक ही नहीं, उसके बाद जितने महात्मा आए एक ही महात्मा की मानी उनकी किताब में, एक ही। गुरु अर्जुन साहब ने जितने महापुरुषों की वाणी मिल सकी इकट्ठी की, जिंदी मिल सकी, कई नामदेव छिबा बैठा है भाव कर दो, कई फरीद साहब मुसलमान बैठा है, कई कबीर साहब जुलाहा बैठा, और एक गुलायन ये वो हमने बनाया, परमात्मा ने तो इंसान बनाया, जो अनुभवी पुरुष जिन्नी वाणी मिल सकी उसको इकट्ठा कर, एक बैंक्वेट हॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी कायम कर दिया, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन, वो भी माफ करना, जब फॉर्मेशन आमिल लोग कम रहे वो फिर जपड़ों में बन जाते। असल है गॉड कॉन्शियसनेस द हाइएस्ट गोल, गॉड कॉन्शियस मैन के पास बैठोगे उसकी रेडिएशन से उभार से यू गेट दैट, सारी दुनिया की ग्रंथ पोथी जवाब में भर, दैट्स और लाइब्रेरी, गुड लाइब्रेरी जो देखकर बयान करता है उसमें डायरेक्ट। तो ऐसे अनुभवी पुरुष को इसीलिए कहा कि अगर तुम एक लम्हा एक घड़ी किसी महापुरुष के ऐसे अनुभवी पुरुष के पास बैठ जाओ, उसका फल 100 साल बेरिया भक्ति से जाता, हम लिखी नहीं साहित्य बाउलिया बेहतर सत्सारा, यह है असल चीज। थोड़े लफ्जों में इसको पाने के लिए हम उसने स्कूलों में दाखिल हुए हैं, उसके लेबल लगाए, वही स्कूल अच्छी थी जिसमें बहुत से लड़के पास करते पाते थे, मगर उसकी बेसिक तैयारी छोट पर करना, छोट से ही मन ताकत रहता है, छोट से इंद्रिय ताकत रहता है, छोट से ये मशीन निकल दी है, छोटी से दुनिया बाहर चली गई, आप पीछे मुझे नजर नहीं आता, सामने नजर आया, आंख बंद कर लू सबसे हटा, मशीन ही स्टैंड स्टिल हो सकती,
ये स्टैंड स्टिल हो तो ओवरटर्न का होश आ सकता है, जब अपने आप की होश नहीं तो उसको कैसे। तो भाइयों किसी समाज में रहो, सारी समाजों में बेसिक तालीम यही नहीं है। वो समाजें कब शुरू, किसी अनुभवी पुरुष से शुरू हुई नाम लेवा है, हमको तो उनका फख्र है कि हम उनके नाम लेवा है। क्या उनको भी हमारा फख्र है कि नहीं, सवाल अभी यहां दसम गुरु साहब का 300 दिन मनाया गया था, मैं भी गया था, मैंने भी टॉप दी जो सब जो थोड़ी बहुत आए। आखिर मैंने उनको यही लक्ष्य कहे कि हम जागती जोत के पुजारी हैं, जैसे तो जोत जगे वो खास था। उन हमको तो उनका फख्र जरूर, क्या उनको भी हमारा फख्र, उनको तब फख्र हमारे अंदर जोत जगे। जब जोत सब में वही देखेंगे तो एक तब तू मैंने में आ गई नहीं, शायद के पैराम से नहीं आएंगे। तो उसके बाद मेरे पास कई 20-20 साल के बड़े बजरी का क्या सर्टिफिकेट लाइक है, तो जितना किया अच्छा है, पर जब तक दर्श त्वारो हो वो इधर की दिपकी क्यों नहीं खुलती, पूंजी नहीं मिलती। पूंजी मिल जाए अपने आप हो सके तो और क्या चाहिए, इन्वर्शन का सुहागा राइज ऑफ बॉडी को यानी बॉडी कंटू कई होकर अंतर आकर बैठ भी जाते हैं अंधेरे पे आगे वे अपने। तो उसके सामने कहा पुपली में तिल तिल में भरा राजे कुल का कुल पर्दे सिया के जरा पार देख लो। चाहे कैसे देखोगे कि जो मुर्शिद सीधा तोजो दे पेनिट्रेट कर जाओ। यही हाफिज साहब ने कहा, बड़े शम्स तबरेज साहब क्या कहते हैं, बीमार बच्चे में सर माशूक अपनी आंखों से देख लेते, कलाम शराब गोशी खुद सुनी दूसरे अपने कानों से सुनना चाहते। कहते कैसे करोगे, कहते नेहा अंदर नेहा बिन जमाल, अंधेरा है ना आंखें बंद करो इस अंधेरे के पार चलो, वहां उसका जमाल लाइट पैदा हो। कौन उसका अनुभव करेगा आज हिस्से नेहा तुम्हारी छोट जब ये शुरू होगी खोल खोल कर बैंक आप करने का सवाल है, जो अपने आप पर सिर्फ लेट टाइम थी अंधे को दो आंखें चाहिए ना हो सके तो हम बाहरी दुनिया के कामों में एक दूसरे से मदद ले लेते जो उसका मायल है, और ऐसा इलम जो इंडियो के घाट के ऊपर है उसे एडवांस एक वे आप हो जाता है मैं डालता है। पर इशारा ना थी जब तक शुद्ध बाहर से अपने इंडियो का घाट छोड़ने हटी सीट ऑफ दोट बैग भी आए आए नहीं तब तक काम नहीं, ये उसका काम हाउ टू इन्वर कैसे फैलाओ से शुद्ध खैच चेंज शुद्ध गुरु बोल दो बिख डुबदा कार्ड कटी जी इंडियो के जरिए से वे आप करने के लिए फिर अंतर चार प्रकाश हो जाए अज्ञान हो जाए। कई लोग ऐसे आगे इंटेलेक्चुअल राइट नॉट दिलीज जैसे टू राइट सिर्फ डिप्टी शू खुलने का सवाल है बच्चे देखते तो सबके अंदर ये चीज मौजूद है, सिर्फ इसके पाने के कुछ लंबे रास्ते भी हैं। प्राण योग वगैरह कुंभ करो चक्रों को तय करो वो फर्स्ट डे तुमको सीट आती शोर पर पहले नेक्स्ट वे आप करते थे कितना भारी कंसेशन, और आगे सिर्फ सोच को ही कंट्रोल करके उसका अनुभव करो। मन को काबू करो पहले प्राणों को कुंभ करो फिर मन काबू हो, अरे मन ताकत लेता है सोच से सोच ये शुरू जो मन अपने और इंडिया पे स्टैंड स्टिल हो जाए बड़ा अफेक्ट नेचुरल वे इसको सोच योग कहते हैं। सोच शब्द योग कहो गुरु अमरदास साहब ने फरमाया कर्म होवे सतगुरु मिलाए सेवा सुख समित लाओ, ये डायरेक्ट चीज है। बच्चे बच्चे बैठे हुए भी लाइट देखते हम कुछ का अनुभव करते तो जिस भी वे बैठो एब्सोल्यूट जहां से दुनिया का आगाज हो तो सब महापुरुषों ने जो किसी जमाने में आए उनकी यही तालीम नहीं मरुष को तालीम को कायम सुपर स्ट्रक्चर बन गई और इतने उसके गर्विदा हो गए कि असल को भूल गए चर्च उठ के गुलाम बने। इसके ये नहीं बने किसी चर्च में रहना एक बरकत है, मगर जाता हामिल पुरुष जिस किशोर मैन जिस चीज के साथ वो ना मिले तो जकड़ों का नतीजा क्या है। गुरु नानक साहब ने फरमाया बड़े साफ लोगों में जिस जल निर कारण तुम जगा है कि जिस वाटर ऑफ लाइफ के लिए जो सब कुछ के देने वाला है तुम दुनिया में आए हो सो अमृत वो अमर कर देने वाली चीजें गुरु पाई गुरु से मिली। आगे क्या कहते हैं किसी समाज में रहना एक बरकत है जरूर रहो, समाज में रहना एक बरकत है जरूर रहो, ये तो करप्शन हो जाएगी। मैं जिस पर्पज के लिए
ही साबुन हुए उस पर उसको मुख रखो, नहीं तो उस जकड़ों में रह जाओगे तो नतीजा क्या है। फरमाते हैं छोड़ो वेश फेक चतराई डूबदा है पर नहीं, अमर जीवन नहीं वो किसी अनुभवी को जिया दान है, लाइफ इम्पल्स देना ले भक्ति लाइन हाथ से लेना, तो किसी समाज में रहो यही है।